जब साधु राजा बना। एक साधु था, चलते चलते वह एक शहर के पास पहुंचा तो शहर का दरवाजा बंद हो गया। रात हो गई थी, वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। दवयोग से उस दिन उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया था। उसका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक लगता है, दूसरा कहता कि मेरा हक लगता है। अंत में सब ने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाजा खोलने पर जो कोई सबसे पहले भीतर आए उसी को राज्य दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वह साधु भीतर गया। भीतर जाते ही हथनी ने जट सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय 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 जयकार करते हुए बाबा जी के को दरवाजे में ले गए। बाबा जी ने पूछा कि यह क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा कि महाराज, हमने विचार कर लिया है कि शहर में जो सबसे पहले आ जाए उसको राज्य दे देना है। सबसे पहले आप आए इसलिए हमने आपको यहाँ का राजा बनाया है। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है। बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि ये एक बक्सा लाओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले कपड़े तुम्बी खड़ुआ आदि रख कर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास में रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य करने लगे। बाबा जी में न तो अपनी कोई कामना थी, न कोई चिंता थी और न उनको कोई भोग की भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज्य किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई। आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई। राज्य का खजाना भर गया। प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने चढ़ाई पर कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, अपनी लड़ाई नहीं करनी। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नज़दीक आ रही है। बाबा जी बोले कि आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है तो बाबा जी ने आदमी भेजा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यह राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मंगा कर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तुम्बी ले ली। बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा कि इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, अब आप आ गए तो इसको संभाल लो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों मारें। इस कहानी का तात्पर्य यह नहीं कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज्य दे दो। प्रत्युत का तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह है, जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझ कर निष्काम भाव से बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत रखो। धन्यवाद।